बिजनौर वालों हो जाओ सावधान, साधु के भेष में फिर रहे हैं पांच ठगी करने वाले इंसान, कर देते हैं पैसा गायब। कोल्लू मालिक अशोक के 17,000 रुपए लेकर हो गए फरार। सभी लोग खबर पूरी देखना, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं ये लोग आपके पास, ना हो आपका कोई नुकसान, तो देखो पूरी खबर जानकारी के साथ। दरअसल आपको बता दें कि ठगी होने के नए नए मामले तो तमाम सामने आते ही रहते हैं। ठगी करने वाले कहीं सोशल मीडिया के जरिए तो कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों को ठगने का काम करते हैं। वहीं ताजा मामला भड़ापुर थाना क्षेत्र के गिनाम इनायतपुर का है, जहां पर हरेवाली निवासी अशोक पुत्र वीरेंद्र कुमार का गन्ने का कई वर्षों से कोल्लू चलता है। आज दोपहर लगभग 1 बजे के करीब अल्ट्रो कार से 5 ठग साधु के भेष में कोल्लू पर पहुंचे और अशोक से 5 रुपए मांगे। अशोक पर छुट्टा पैसा नहीं होने की वजह से उसने अपनी कोठरी से 20 का नोट लाकर ठगों को दे दिया। तब एक ठग ने कहा, आपके पास और भी पैसे हैं, मैं आपके पैसों को डबल करके दिखाऊंगा। 20 के नोट को हाथ से मसलकर पानी बना दिया और एक सिक्का अपने पास से निकालकर उसकी राख बनाकर अशोक को दिखा दी और किसी ना किसी तरीके से अपने झांसे में लेकर अशोक से कोठरी से 17,000 रुपए और मंगवाए और उसको डबल करने की बात कही। 17,000 रुपए हाथ में लेने के बाद ठग ने अशोक से एक गिलास पानी लाने को कहा। जैसे ही वह पानी लेने के लिए गया, पांचों ठग अपनी कार में सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जब अशोक वापस आया तो पांचों ठग वहां से भाग चुके थे। तब उसको आभास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसकी सूचना उसने फोन कर अपने पिताजी वीरेंद्र कुमार को दी। उसके बाद दोनों बाप बेटे भड़ापुर थाने पहुंचे और लिखित में ठगी की सारी घटना की तहरीर थाने में दी। जब घटना की जानकारी के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हुई है, पुलिस छानबीन कर मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही ठगों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या हुआ आपके साथ? बाबा लोग आए थे हमारे कोल्लू में, तो आकर वे बोला पानी पिला दो, चार आदमी उतरे गाड़ी में से, पानी पिला दिया उन्हें। वे बोला आप 5 रुपये दे दो, बोला 5 रुपये तो खुले नहीं है, तो वे बोले नो और होंगे, बोला ना। तो मैं हमारे यहाँ गोदाम है, हम गोदाम में गया, मैं गोदाम में जाकर 20 का नोट निकाल लाया था, सुबह से निकाल गया उन्हें दे दिया। वे बोले ना चल कोठरी में, हुआ मैं चला गया कोठरी में जाकर, तो वे बोले उन्होंने ऐसा नू करा, ऐसा नू निकाल कर पानी, ऐसा पानी निकालते 20 के नोट पर नू निकाल कर फिर मट्टी ऊपर ही नीचे से मट्टी की राख बना दी, राख बना कर फिर बोले नू ला तेरे जेब में कितना पैसा, मतलब पैसे ला तेरे जेब में, ना है तेरे जेब में पैसे हैं हमें पता है। तो बोले नू हमें नहीं पैसे तेरे बाप से करते हैं, तो ये दफा मंतल हुआ ले तेरा काम में बरकत आ गई, नू आ गई कारोबार बढ़ेगा तेरा, नू हम तेरे पैसे बाप से करें, उन्होंने पैसे लिए बाप से, फिर उन्होंने मट्टी ठवाई नीचे से, जैसे मैं नीचे उड़ा और पैसे गायब कर लिए अपने हाथ। कितने पैसे थे? 17,000 वही ले गए। अच्छा, अभी आपने पहचान लिया उनको? पहचान लिया।